अगले हफ्ते 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की जो दिनांक है उसकी घोषणा आज कर दी गई है कि रिजल्ट जो वो किस डेट को आएगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि रिजल्ट आने पर किसी भी छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो कमजोर से कमजोर छात्र हैं उनको भी पास किया गया है। केवल उन छात्रों को फेल किया है जो अपने कापी बिल्कुल सादा जमा कर दिए गए। अगर वो छात्र जो कापी में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड लिखे हैं, अपने से बनाकर लिखे, अपने मन से लिखे हैं, तो कोरोना काल को देखते हुए उन छात्रों को भी मार्क्स दिए जा रहे हैं और सभी छात्रों को अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं। और जो छात्र काफ़ी अच्छी अपनी कॉपी में लिखे और उनकी राइटिंग भी अच्छी और क्वेश्चन का सटीक आंसर दिया है उन्हें बोनस अंक भी दिया जा रहा है। एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों ने ये फैसला किया है कि जो रिजल्ट है वो 56 लाख विद्यार्थियों के इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परीक्षा के बाद जो कापी का मूल्यांकन है वो समाप्त हो गया है और 40 लाख रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। कुछ रिजल्ट बचे हैं जिनको जल्द ही अपलोड करने के बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 की तिथि की घोषणा हो जाएगी। 8 जून को रिजल्ट आपका फाइनल तारीख को आ ही जाएगा।